आज का वीडियो कैश बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हो और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके जितनी भी चीजें बताने वाला हूं अपनी नोट्स की कॉपी जो भी आपने बनाई है यूट्यूब के लिए उसमें नोट डाउन कर लो और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहां से कैश बुक पे ही क्वेश्चन आने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम का क्वेश्चन इज 100% कन्फर्म्ड कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो मेक श्योर बहुत ध्यान से आपने समझा है और सारे कॉन्सेप्ट कवर करें हैं। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सब लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे डबल कॉलम कैश बुक। अब इसको समझने की ट्राई करो। डबल कॉलम का मतलब होता है एक ऐसा कैश बुक जिसके अंदर दो कॉलम्स होंगे, टू कॉलम्स। अब आप कहोगे सर कैश बुक में तो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया हम लोग फोकस करेंगे मेन कॉलम पे। देखो मेन कॉलम सिंगल कॉलम में कैश का होता था, डबल कॉलम में दो कॉलम्स होंगे और इंपॉर्टेंट कॉलम्स होंगे। एक कॉलम होगा कैश का और एक कॉलम होगा बैंक का। यानी इस कैश बुक में हम लोग जो कैश में पैसा आ रहा है वो तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, जो कैश से पैसा जा रहा है वो तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। अब अगर मेरे बैंक में कुछ पैसा आया या मेरे बैंक से कुछ पैसा गया है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी से आओ इसका फॉर्मेट पे, फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, जो आपने लास्ट फॉर्मेट बनाया है बस उसके अंदर एक कॉलम और ऐड करना है। कैसे बनेगा? अब लाइंस थोड़ी बहुत अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि तुम लोग तो स्केल से बना लेते हो, हम कौन सा स्केल यूज करें। सबसे पहला कॉलम एज यूजुअल डेट, उसके बाद एक बड़ा कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम इनवॉइस नंबर, फिर छोटा सा कॉलम लेजर फोलियो, सेम है इनवॉइस नंबर LF, उसके बाद अब दो कॉलम्स बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में हमने सिंगल कॉलम बनाया था, अब दो कॉलम्स बनेंगे, एक कैश और अमाउंट, एक बैंक और अमाउंट। ये देखो ये हमारी अब डेबिट साइड कंप्लीट होती है, कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनाओ। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, एक कैश अमाउंट और एक बैंक अमाउंट। ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक बन जाती है। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। दिस वे हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होता है डबल कॉलम कैश बुक का। अब इसमें सर नया क्या है? देखो नया ऐसा है कि इसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं सिखाने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना, अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि पैसा कैश में आए, बैंक के साथ भी बिजनेस शुरू हो सकता है, मतलब बैंक बैलेंस के साथ भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग यहां लिखते हैं टू कैपिटल, यूजुअली कैश का कैश में बैंक में लिख देना, ठीक है। बट इन केस बिजनेस शुरू नहीं हो रहा है, मतलब आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा, आपके पास लिखा आ रहा है बैलेंस इन हैंड। बैलेंस इन हैंड अगर आ गया इसका मतलब वो ओपनिंग बैलेंस आपके पास गिवन है, तो फिर आप यहां टू कैपिटल नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो आपने लास्ट में कैश बुक करना सीखा, जो मैंने आपको सिंगल कॉलम सिखाया, उसमें अगर आपको याद हो तो हमारे पास इधर बैलेंस निकल के आया था कैश का क्रेडिट साइड में, और आपने उस बैलेंस को नीचे ब्रॉड डाउन करा था। ये वही चीज है, एक तरीके से वही है। इसका मतलब जो पिछले महीने का बैलेंस है या जो पिछले साल का बैलेंस है वो हम आगे लेके आ रहे हैं और इस महीने का काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जो कैश का बैलेंस है वो हमेशा इधर ही आएगा, ऑलवेज ऑलवेज इधर आएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस इधर भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का कभी नहीं आएगा, बैंक बैलेंस इधर भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बोलते क्या है अगर बैंक बैलेंस इधर आ जाए? इसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में भी आ सकता है अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो
या क्रेडिट बैलेंस लिखा हो या नेगेटिव बैलेंस लिखा हो, ऐसा लिखा है तो इधर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक अपने कुछ रिस्पेक्टेड कस्टमर्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अगर आपके बैंक में पैसा कम भी है, सपोज 50,000 का पैसा है और मुझे पेमेंट करना है 60, तो बैंक 10,000 का पेमेंट अपनी तरफ से कर देगा और कहेगा कि आपका बैलेंस 10,000 हम नेगेटिव लिख रहे हैं, कल आप जब पैसा डिपॉजिट कराओगे तो हम वो काट लेंगे, तो 10,000 नेगेटिव हो गया ना, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, वो इधर लिखेंगे। ठीक हुआ? अच्छा, एक बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, डबल कॉलम कैश बुक में सपोज हम लोग एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन के साथ मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके रूल्स मैं साथ साथ लिखवा दूंगा, समझने की कोशिश करना। ये मैं हटा रहा हूं, ये नोट डाउन कर लिया ना आपने ओवरड्राफ्ट, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, ये हटा रहे हैं। सपोज क्वेश्चन शुरू हो रहा है ऑन 2020 अप्रैल 1st में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और लिखा हुआ है बैलेंस इन हैंड कैश का 1 लाख और बैंक का 50,000, कैश का 1 लाख और बैंक का 50,000। तो यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का 1 लाख, बैंक का 50,000। ये हमने लिख दिया। अब हमें बस फिर से वही सारे रूल्स याद रखने हैं कि अगर इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है तो इस साइड, पैसा जा रहा है तो इस साइड, राइट? अब देखो, सबसे पहले हम लोग एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, नॉर्मली वैसी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश। सपोज हमने लिया अप्रैल 3rd में परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, हमने गुड्स खरीदे। अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो सोचो पैसा गया या बैंक से बैलेंस कट हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर कैश, तो मेरा नॉर्मली कैश से पेमेंट हुआ है, तो मैं लिखूंगा इसको 2020 अप्रैल 3rd बाय परचेजेस। याद है ना, डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, बाय परचेजेस, कैश में से 20,000 को कम करूंगा, कैश क्योंकि मेरा माइनस हो गया होगा, पैसा गया होगा, ठीक है। 3rd अप्रैल 4th सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, हमने गुड्स सेल कर दिए 10,000 रुपीज के, गुड्स सेल करे, पैसा आया, फिर से लिखा हुआ है फॉर कैश, तो कैश में ही आएगा, अप्रैल 4th टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज आ गया हमारे पास। अप्रैल 5 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रोहित 50,000, सोल्ड गुड्स टू रोहित 50,000। सोचो जल्दी से, दिमाग लगाओ ये कौन सी साइड में आएगा, सोल्ड गुड्स टू रोहित 50,000, क्या मैं इधर लिखूं या इसको इधर लिखूं, सोचो। ये आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेम लिखा हुआ है, जहां नाम आ गया यानी कि ये क्रेडिट सेल है, उधार वाली सेल है, इसको जस्ट इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, एग्जाम में 100% आएगी, 100% डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अगर मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है तो मेरा बैंक तो बढ़ गया, लेकिन मेरा कैश भी तो कम हो गया। अगर मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा लेकिन कैश हो गया कम, तो ये तो दोनों जगह जा रहा है, बैंक में भी और कैश में भी, ठीक है ना, बैंक में भी जा रहा है, कैश में भी जा रहा है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो दो दो जगह जाएं, आपके दोनों साइड को इफेक्ट करें, डेबिट को भी क्रेडिट को भी, इन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है। इसको वहां पे नोट डाउन कर लो, पीछे जो आपने जगह छोड़ी होगी, द एंट्रीज विच अफेक्ट्स बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक इज आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्रीज। जो एंट्रीज दोनों साइड्स को इफेक्ट करेंगी उसको कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करा तो दोनों साइड जाएगा। नंबर 2 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर हमने बैंक से निकाला, अगर बैंक से निकाला तो मेरे पास कैश आ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, ये भी दोनों जगह इफेक्ट करता है, वो भी मैं इसमें करवाऊंगा अभी, ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब देखो करनी कैसे है,
डिपॉजिटेड इन टू बैंक 20,000, अगर बैंक में डिपॉजिट करा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में पैसा आया, तो इधर बढ़ाऊंगा 20,000, बैंक में पैसा बढ़ा दिया। कैश कम हो गया, यहां पे कैश को कम करूंगा। देखो, बैंक को बढ़ा रहा हूं, कैश को कम कर रहा हूं, बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, दोनों साइड जा रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके लिए लेजर फोलियो में आपको एक ऐसे सी लिख देना है, लेजर फोलियो में एक सी का साइन बना देना है। सी क्या शो कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री लिख दिया। अब नेमिंग कैसे करनी है, देखो अप्रैल 8 में पैसा बैंक में आया, तो कहां से आया, कैश डिपॉजिट है तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा कहां से आया है, कैश से आया है, और यहां से कैश चला गया। कैश कहां गया है मेरे पास से, कहां गया, ये पैसा क्यों कम हुआ, बैंक में गया, तो यहां क्या लिखोगे, बाय बैंक। दिस इज अप्रैल 8, समझ में आया, ऐसे लिखना है। पहले अमाउंट लिख लिया करो आराम से, अगर बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक बढ़ गया, इधर से बैंक इधर बढ़ेगा, इधर कैश कम हो गया, कैश में आया, तो नेम बैंक का लिखना है, क्योंकि कैश कहां गया है, बैंक में गया है, बैंक में पैसा कहां से आया है, कैश से आया है, समझ में आता है, वेरी सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं सिंपल अप्रैल 10 पेड टू रवि बाय चेक 10,000। रवि को पेमेंट करा है, चेक से पेमेंट करा है, अब ध्यान से समझना, चेक से पेमेंट करा है। अगर पेमेंट चेक से हुआ तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है, ध्यान से समझो, पेमेंट कैसे हो रहा है, बाय चेक, तो इस बार पेमेंट हुआ है तो इधर ऑब्वियसली कम होगा। अप्रैल 10 बाय रवि, अगर पेमेंट होता कैश में तो कैश से कम करते, ये कम हुआ है बैंक से, चेक से पेमेंट हुआ है ना, तो इधर से माइनस करूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद अप्रैल 11 सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड चेक रिसीव्ड 80,000। हमने मोहन को गुड सेल करे हैं और चेक मिला है 80,000 का। अब इसको भी आप एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मार्क करना, क्योंकि यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी है। सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड चेक रिसीव्ड 80,000। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे चेक तो मिल गया, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट भी हो गया। देखो, जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तो आपका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में अगली ट्रांजेक्शन देखनी है। जैसे मैं अगली ट्रांजेक्शन भी लिख देता हूं, अभी अप्रैल 13 पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,000, अप्रैल 15 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 5,000, अप्रैल 19 मोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4,000, नहीं बस विड्रॉन इन डिपॉजिट इनटू बैंक लिख दो, अप्रैल 20 विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000। देखो, अब हम यहां पे हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड चेक रिसीव्ड, हमें चेक मिल गया। आपको पहले अगली ट्रांजेक्शन देखनी है, क्या किसी ट्रांजेक्शन में ये चेक डिपॉजिट हुआ है मोहन वाला। तो देखो, मैंने देखा यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, ये आ गया मोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है कि 11 को जो चेक मिला था वो डिपॉजिट हुआ है 19 को। तो आप सोचो, अगर 11 को चेक मिला, मैंने चेक लेके रख लिया, ना मेरे पास कैश आया ना मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, तो हम लोग इसको यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब रिकॉर्ड करोगे, जब ये डिपॉजिट हो गया यहां पे। इन केस ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ना होता, इन केस ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ना होता, फिर मैं एज्यूम कर लेता, दैट विल बी माय अजम्पशन, एज्यूम कर लेता कि यहीं पे डिपॉजिट हो गया, तो आप यहीं पे बैंक बैलेंस बढ़ा लेते, कौन सी डेट पे, 11 पे। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, जब भी चेक मिले, जब भी चेक मिले,
तो हमेशा उसके नीचे वाली ट्रांजेक्शन चेक करना कि वो डिपॉजिट किसी फर्दर डेट पे तो नहीं हो रहा। अगर फर्दर डेट पे हो रहा होगा तो तभी डिपॉजिट करोगे, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एज्यूम कर लो कि सेम डे पे हो गया, यही हो गया। अगर ये ना होता तो मैं इसको 11 में ही डिपॉजिट कर देता, ठीक है। अब फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल ये यहाँ डिपॉजिट हुआ है तो हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। आगे चलो, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं अप्रैल 13 पे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज पेमेंट है, क्रेडिट में आएगा। उसके बाद विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब इसको भी स्टार मार्क करो। मैंने बैंक से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, कितना पैसा निकाला है 5,000 रुपीज। अगर मैंने बैंक से पैसा निकाला तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? बैंक से पैसा निकाला, कैश आ गया, नहीं, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ध्यान से समझो, ये लिखा है मैंने विड्रॉन फ्रॉम बैंक और ये लिखा है मैंने विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हम लोग ये कैश बुक किसकी बनाते हैं? हम लोग ये कैश बुक बनाते हैं बिजनेस की, ठीक है। ये कैश बुक किसकी बनाते हैं? बिजनेस की। यहां पे मैंने पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा निकाला और मैं घर ले गया। अगर मैं घर ले गया तो क्या मेरे बिजनेस में कैश आया? ना। बैंक से कम हुआ और मैं पैसा लेके घर चला गया, बिजनेस में कैश कहां आया? यहां पे मैंने बैंक से पैसा निकाला, विड्रॉन बैंक से निकाला और कैश आ गया, कैश बिजनेस में आ गया या नहीं आ गया? क्योंकि यहां कहीं नहीं लिखा कि ये पर्सनल यूज है, इस चीज का भी ध्यान रखना। इफ द मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। जहां पे कॉन्ट्रा एंट्री के रूल्स लिखे हैं वहां पे लिख लो ये बात, इफ द मनी इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सनल यूज में बैंक से पैसा तो आया लेकिन वो लेके घर चला गया, बिजनेस में नहीं आया वो कैश, समझे। चलो इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं अप्रैल 15 में, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सारी ब्लू पेन से कर रहा हूं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? बाय ड्रॉइंग्स। ये पैसा बस बैंक से कम हुआ 5,000 रुपीज और घर चला गया, क्लियर हो गया। इसके बाद मोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, अब ये वाला चेक डिपॉजिट करा है। अगर ये डिपॉजिट करा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा अब मेरा। टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड कितना, कितने का मोहन का चेक था? 80,000, ये हमने डिपॉजिट कर दिया। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखना, इन केस ये आप यहीं पे डिपॉजिट कर दे सेम डे, अगर आप सेम डे डिपॉजिट करते तो यहाँ पे आप टू मोहन लिखते, ये बात ध्यान रखना। अगर चेक सेम डे पे डिपॉजिट हुआ है तो आप अल्टीमेटली अपने कस्टमर का नाम लिखोगे बस, वहाँ पर चेक इन हैंड नहीं लिखोगे, अलग डेट पे हुआ तो चेक इन हैंड लिखोगे, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आता है मोहन का चेक डिपॉजिट इनटू बैंक हो गया, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आ जाओ अब जरा फिर से, बैंक से पैसा निकाला, कैश आ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक को कम करो, बैंक कम होगा इधर से, ये मैंने 50,000 कम कर दिया, कैश बढ़ाओ, कैश बढ़ेगा इधर, ये 50,000 कैश बढ़ा दिया, हमने बैंक से पैसा निकाला है, बैंक कम कर दिया, कैश बढ़ा दिया, यहाँ लिखूंगा सी दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ फिर लिखूंगा सी दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, ये बैंक में लिखा है तो नाम क्या आएगा यहाँ पे? बाय कैश, कि मेरे पास कैश से कैश में गया है पैसा अप्रैल 20, यहाँ पे कैश में आया है तो यहाँ क्या लिखूंगा? टू बैंक, पैसा कहाँ से आया है? बैंक से आया है अप्रैल 20, समझ में आई बात? इजी है। डबल कॉलम कैश बुक में बस कॉन्ट्रा एंट्रीज ध्यान से करनी है, चेक वाली एंट्रीज ध्यान से करनी है, बाकी कुछ नहीं। अब क्या करना है? सिमिलर बैलेंस निकालना है जैसे हम हमेशा निकालते आए हैं, बैलेंसिंग करते हैं, देखते हैं। इधर देखो 1,150,000 और 160,000, यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,60,000, थोड़ा नीचे करूँगा मैं टोटल ताकि बैलेंस इजीली लिख पाऊँ, इधर टोटल नीचे ही करेंगे। मैं फिर से बोलूँगा ये बात कि ये टोटल एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चलेगा और डबल लाइन होना चाहिए यहाँ पे। टोटल हमेशा लास्ट डे पे निकलता है तो अप्रैल 30 पे बैलेंस निकलेगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इसको कैरेट डाउन करते हैं, टोटल आ रहा है 1,60,000, 160 माइनस 50 इज 1,10,000, 1,10,000 का तो ये बैलेंस हो गया। बैंक में कितना बैलेंस है? 80 और 20, 1,00,000 और 150 में से 50 हटा दिया तो 1,00,000 बचा, 10 हटा दिया 90 बचा, 5 हटा दिया 85 बचा, 85,000 बैंक का बैलेंस बचेगा। यहाँ पे टोटल लिख देंगे
160 और 150 इस तरीके से। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, जो बैलेंस आया उसको नेक्स्ट मंथ में लेके जाओ। अप्रैल के बाद क्या आएगा यहाँ पे, May 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, कितना ये वाला बैलेंस 1,10,000 और 85,000। देखो जैसे हमने ब्रॉड डाउन करा है ना, सिमिलरली ये बैलेंस पिछले मंथ से ब्रॉड डाउन हो गया है। अब मे का हम इसके नीचे से काम शुरू कर सकते हैं। समझ में आया डबल कॉलम कैश बुक, वेरी सिंपल। मैंने आपको आज सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स कराई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स और हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो ट्रांजेक्शन्स और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। यानी डबल कॉलम का ही एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बढ़िया सा मज़ेदार सा क्वेश्चन कराऊंगा, और हो सका तो दो ही पार्ट करा दूंगा, दो क्वेश्चंस करा दूंगा, क्योंकि डबल कॉलम की प्रैक्टिस करो एग्जाम में आएगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया होगा, स्टिल अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जिस दिन वीडियो आता है उस दिन मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद करते हो तो वो आगे पीछे हो जाता है। तो मेक श्योर लाइक करना मत भूलना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ अप्रिशिएट करना चाहते हो तो भी कमेंट में बता दिया करो, यार मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। और शेयर करना मत भूलना, सब बच्चों तक पहुंचा दो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।